बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ और आपके लिए दुआ करता हूँ कि आप सब खैरियत से खुशबाश हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं बनाने जा रहा हूँ शलजम और मटर। शलजम और मटर बनाने जा रहा हूँ, तो मेरे साथ रहिएगा। रोज़ हसब मामूल की तरह सेम 3 चम्मच आयल, ठीक है, थोड़ा सा इसको गर्म होने दें। उसके बाद इसमें मैं प्याज डालूँगा। सही है, आपके कोऑपरेट का, आपके साथ देने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। एज़ यू नो वेरी वेल, रोज़ की तरह इनको थोड़ा थोड़ा पीला करूँगा, येलो येलो ब्राउन ब्राउन। उसके बाद इसमें लहसुन अदरक और सब्ज मिर्च का पेस्ट वो डालूँगा, ठीक है। तब तक के लिए वेट कीजिए, इंतज़ार कीजिए, मिलते हैं छोटे से वक्त के बाद। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। जैसा कि आप देख रहे हैं प्याज ब्राउन हो चुके हैं, अब हम इसमें डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, ठीक है। तो रोज़ाना की तरह मसाला तकरीबन ब्राउन हो चुका है, इसमें प्याज लहसुन अदरक और सब्ज़ मिर्चें हैं। तो अब हम डालेंगे टमाटर और लाल मिर्च, हल्दी, गरम मसाला जिसमें है उसका पेस्ट बना बना ऐसे, ठीक है। नाज़रीन कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा मेरी रेसिपी बनाने का तरीका कैसा लगता है आपको, क्योंकि मैं अकेला रहता हूँ, इधर जॉब भी करता हूँ, साथ खाना भी बनाता हूँ, तो समझा करें थोड़ा बात को, ठीक है ना। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। अब इसको थोड़ी देर पकाते हैं, उसके बाद इसमें शलजम और मटर डालेंगे, वेट करें। नाज़रीन जैसा कि आप देख रहे हैं मसाला बिल्कुल पक के तैयार हो चुका है, ठीक है। अब मैं इसमें शलजम और मटर डाल रहा हूँ, तो कहीं नहीं जाइएगा, मेरे साथ रहिएगा। ये हैं शलजम और मटर, सही है। अब इनको मैं थोड़ा थोड़ा हिलाऊँगा ताकि ये मिक्स हो जाए। जी देखिए सालन तकरीबन तैयार हो गया है, लेकिन अब मैं इसको थोड़ा सा दम दूंगा, स्टीम पर पकाऊंगा, आग मट्ठी कर दूंगा, ठीक है ना। सिर्फ 5 से 10 मिनट के लिए वेट करें। ओके, मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद।
जी नाजरीन देखते हैं, पूरे 3 मिनट हो गए हैं मुझे दम दिए हुए, देखते हैं क्या बनता है। ओह माशाल्लाह डिलीशियस। अभी इसको मैं थोड़ा ब्रेकी करूँगा इसके साथ ही, और 2-3 मिनट का दम और दूँगा ताकि सब कुछ मिक्स हो जाए और जो कुछ कच्चा कच्चा है वो भी पक कर गल के तैयार हो जाए। इसके लिए ये आपके सामने लाइव, कोई धोखा फ्रेट ठगी का काम नहीं। बस मिनट और दम देना इसको, वेट करें। नाजरीन 2 या 3 मिनट का दम मैंने और दिया, देखते हैं अब क्या सूरत हाल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाओ माशाल्लाह, चेक करें नाजरीन, ये चीज़ तैयार करनी थी मैंने जो आपके सामने तैयार की है। हमेशा कोई भी चीज़ आप बनाएं तो उसको आखिरी जब गलने का टाइम आए तो हमेशा भाप पर गलाएं, तो आप देखेंगे इतना मज़ेदार खाना बनेगा कि आप हाथों की उंगलियां चकते रह जाएंगे। ये देखें मेरे प्यारे प्यारे नाजरीन, लाइट मार के देखें लाइट कैसा लग रहा है। ये अगर मैं 1-2 मिनट दम और दे दूँ तो और ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, क्या कहते हैं आप लोग कमेंट्स में बताइएगा। लेकिन मेरा दिल कर रहा है इसको 1-2 मिनट का दम और दे दूँ ताकि परेशानी कम हो जाए, क्या कहते हैं आप लोग। या नहीं, ये चीज़ देखें जी तैयार हो गई है, वेरी डिलीशियस डिश मेड बाय साकी। दोस्तों नाजरीनों, तो लीजिए नाजरीन आज की डिश शलजम और मटर, डिश तैयार है, तकरीबन तैयार हो चुकी है। आइए खाते हैं, आप भी आएँ हमारे साथ मिलकर खाना खाएं। अल्लाह आपको सेहत वाली तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमा। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। वमा अलैना इल्ला अल-बलाग़ुल मुबीन। मेरे ख्याल में सब कुछ तैयार हो गया। अल्लाह हाफिज़। अपने ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। ओके अल्लाह हाफिज़।